हाय गाइस, वेलकम बैक टू ट्रैवल लाइट्स, अनदर डे अनदर वीडियो। एंड आज हम लोग हैं जेए द रिजॉर्ट में। रिजॉर्ट में तीन प्रॉपर्टीज हैं और हम स्टे कर रहे हैं जेए लेक व्यू रिजॉर्ट में। बट अभी हमने वहाँ से ऐसे कैब कैरीज चलती रहती है इंटरनली, तो हम वहाँ से लेकर बीच साइड आए हैं। पहले हमने अपना रूम प्राइमरली बीच व्यू के लिए बुक कराया था, बट वी गॉट टू नो कि लेक व्यू इंफ्रावाइज थोड़ी नई और मॉडर्न है, तो वी स्विच्ड अप बुक। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि बीच व्यू होटल से आपको क्या व्यू मिल सकता है। आपका बीच व्यू और ये यहाँ से डायरेक्टली होटल के व्यू है, आपको पूरा बीच दिखेगा। जब हम यहाँ पे अपनी कैटी का वेट कर रहे हैं, वो आती है और हमें वो ट्रांसपोर्ट करेगी होटल के दूसरे साइड पे, जो कि है जेए लेक व्यू। तो गाइस, बेसिकली ये होटल काफी अपने पीकॉक की वजह से काफी फेमस है। ऐसे मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी शाय होते हैं एकदम, मैं से सामने आते नहीं है। जैसे ये भी खड़ा हुआ है कि तो अभी, लेकिन ये कि मुझे देख के ऐसे घूम जा रहा है, ये सामने नहीं आ पा रहा मेरे से। हाँ, लेकिन मतलब ये बहुत ऐसा यूनिक सा एक्सपीरियंस है, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी इतना पास कभी देखा नहीं है। तो दूर दूर तक दिखते रहते हैं, देखो देखो। हम पहुंच चुके हैं कैडी से अपने होटल के एंट्रेंस की तरफ। ये हमारा होटल है और ये है वो शानदार बिल्डिंग। सो दिस इज़ वेरी पॉपुलर और इसमें सारा इंफ्रा नया है। इसकी कुछ खास बातें, जैसे कि यहाँ पे अच्छे खासे सेलिब्रिटीज़ रुक चुके हैं इस रिजॉर्ट में, काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ आना पसंद करते हैं, एंड विराट कोहली इज़ वन ऑफ देम, जो कि आईपीएल के टाइम पे यहाँ पे आके स्टे किया था उन्होंने। पूरी उस टीम को यहाँ पे इस रिजॉर्ट में स्टे कराया गया था लेक व्यू होटल में। सेकेंडली, दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी लेक व्यू होटल हैज़ अ इंडियन रेस्टोरेंट विच इज़ नेम्ड किनारा, जिसको शेफ विकास खन्ना रन करते हैं। सो ही इज़ अ मास्टर शेफ एंड इंडियंस विल डेफिनेटली नो हु दैट गाय इज़। सो दैट्स वाई दिस प्रॉपर्टी इज़ वेरी लुक्रेटिव एंड वी आर इन ऑल स्ट्रक विद दिस प्रॉपर्टी। तो गाइस, अब हम आपको लेके चलते हैं होटल के अंदर और दिखाते हैं इसका मेन एरिया रिसेप्शन। इस प्रॉपर्टी के टूर के बाद अब हम लेके चलते हैं आपको सीधा अपने रूम पर। वहाँ आने ने मेरे लिए कुछ ऐसे सरप्राइज रखा हुआ है। अच्छा अच्छा, हाँ यार, इस होटल सच में बहुत बड़ा है ना। थक गए, तानिया इतनी थक चुकी है कि इसको शॉर्टकट चाहिए अब यहाँ से भी। इसके अंदर मतलब एक एक फ्लोर पे 70-80 फ्लोर वो है ना, रूम्स हैं। हाँ, चार पाँच फ्लोर का ये होटल है, बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। ये एक होटल है, उसके बाद बीच व्यू है, एक और होटल है, तीन ऐसे होटल्स हैं और उसके साथ साथ इस रिसोर्ट है। इस रिसोर्ट में बेसिकली तीन होटल्स हैं, एक आपको लेक व्यू देता है, एक ओशन व्यू देता है और तीसरा पता नहीं चलता है। हाँ, तीसरा मिलता है। बहुत अच्छा शानदार व्यू आ रहा है ना बाहर का।
ये है बेलकनी व्यू, सामने है पूल और वहाँ पे आप सामने देख पा रहे होंगे वो है लेक। तो इसको ऐसे इसलिए ही लेक व्यू बोलते हैं कि यहाँ पर सी व्यू भी है ना, ओशन व्यू। अभी आप यहाँ पे सारे अंदर व्यू चलती है गोल्फ का, जिससे आप ज़्यादा के अलग अलग प्रॉपर्टीज विजिट कर सकते हैं। बट जिसमें हम रुके हुए हैं ये है जेके द लेक रिसॉर्ट। Let's be a part of now Arjun's cake cutting ceremony and here he goes. शुरू करते हैं। Happy birthday to you. Thank you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Gugu. Happy birthday to you. कर लेते हैं। चॉकलेट्स दी हैं लोगों ने। यस। अलग अलग वैरायटीज की। पर वैसे भी केक तो है बड़ा मस्त है खाने में ना, मजा आ जाता है। They've given you a lot of gifts, books. Guys, बुगु को गिफ्ट मिला है ये। विकास खन्ना, इनकी पिक्चर देखने फिर ऑन नो हिम, ही इज अ मास्टर शेफ। सो दिस रेस्टोरेंट बेसिकली वी आर गोइंग टू ईट व्हाट दीज गाइस सजेस्ट अस, बिकॉज आज हमने इन पे छोड़ दिया, वी हैव टोल्ड देम कि आज अर्जुन का बर्थडे है, आप हमें बताइए कि आपकी क्या सिग्नेचर डिश है। तो हमने स्टार्ट किया यहाँ पे सबसे पहले कुरकुरी दही से, सो वी हैव प्लेस दिस ऑर्डर कुरकुरी दही एज आर स्टार्टर। सो गाइस दिस इज कुरकुरी दही, मतलब ये तो शायद पहली बार ऐसा कुछ इंडियन नाम सुन के कुछ ऐसा लग रहा है ना, एक्सोटिक सा। मेरा मुंह आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा कैसे कैसे फ्लेवर्स आ रहे हैं। फिर भी कैसा लग रहा है? बहुत एक्सोटिक। तो जैसे मास्टर शेफ वाले स्टाइल में खाते हैं ना वो, जैसे कहते हैं फिर ऐसे खुशबू तो अच्छी आ रही है, किसी चीज़ की याद आ रही है मुझे। मज़ा कर रहा हूँ, ऐसे मास्टर शेफ में बोलते हैं, लेकिन सही में ये कुरकुरा दही है और ये सच में मतलब ऐसा लग नहीं रहा है कि मतलब आप कुछ इंडियन डिश खा रहे हो, कुछ एक्सोटिक ही है, मतलब कुछ अलग ही, और फ्लेवर्स तो सही में बहुत अच्छे हैं। मतलब मैं पहली बार किसी शेफ का बनाया हुआ कुछ ऐसा खा रहा हूँ, मतलब उनका जो ऐसे प्रीमियम डिश होंगी या जो भी होगा। तो दोस्तों वो हमने साग पनीर ऑर्डर किया है और ये भी मतलब कुछ ऐसा एक्सोटिक सा साग पनीर है, ऐसा नॉर्मल वाला साग पनीर नहीं है। हमने फाइनली आपको प्रॉपर्टी टूर दे दिया और अर्जुन का बर्थडे हमने यहाँ पे बहुत ही स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट किया। होप इसे पसंद आया हो। एंड विद दिस मुझे तो बहुत पसंद आया, किनारा का खाना। एंड विद दिस आवर डे कम्स टू एन एंड एंड गुड बाय, टेक केयर, वी लव यू एंड प्लीज डू लव अस बैक, एंड इन द मीन टाइम डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ट्रैवल लाइट्स। बाय बाय।